Children, today I am going to teach you class 4 chapter 3 reproduction in animal. Chapter 3 reproduction in animal. All living things produce young ones of their own kind. The process by which animals produce their own kind is called रिप्रोडक्शन. जितने भी लिविंग थिंग्स से वो अपने यंग वंस को जन्म देते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन, पैदा करना. ठीक है, ह्यूमन बींग्स गिव बर्थ टू बेबीज. जैसे ह्यूमन बींग्स, जैसे लोग पैदा करते हैं अपने बच्चों को, उनका क्या होता है, उनका बच्चा होता है. ऑल एनिमल्स डू नॉट रिप्रोड्यूस इन द सेम वे. तो सेम वे में, सेम तरीके से कोई भी एनिमल्स अपने बच्चे को पैदा नहीं करता या जन्म नहीं देता, रिप्रोडक्शन नहीं करता. सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, व्हेयरएज अदर गिव एग्स फ्रॉम व्हिच द यंग वंस हैचर. कोई कोई एनिमल्स डायरेक्टली अपने बच्चे को जन्म देता है और कोई कोई एनिमल्स क्या करता है ना, अंडा देता है और उसी अंडे में से उसका बच्चा निकलता है. सो लेट अस लर्न अबाउट कॉमन एनिमल्स एंड देयर मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो हम अभी पढ़ेंगे कितने एनिमल्स के बारे में, उनका रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. एनिमल्स that give birth to young ones. Some animals, जो animals give birth to young ones, directly अपने बच्चों को जन्म देते हैं, हम उसी animals के बारे में पढ़ेंगे. Some animals give birth to young ones. For example, cat gives birth to kitten. एक cat किसे पैदा करता है, किसे जन्म देता है, उसका किटन को, एक छोटा सा किटन को जन्म देता है. मदर डॉग्स गिव बर्थ थ्रू पपीज. एंड जो मदर डॉग होता है वो क्या करता है, अपने पपी को जन्म देता है. एनिमल्स लाइक काउ, लायन, हॉर्स, एलिफेंट एटसेट्रा, दे आर ऑल गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. वो अपने बच्चे को डायरेक्टली जन्म देते हैं. Also give birth to young ones to their own kind. The young ones of those animals develop inside the mother's body. उनका जो young ones होता है वो अपने body के अंदर उसको क्या करते हैं, growth करते हैं, अपने body के अंदर वो रखते हैं और उसके बाद उसको directly जन्म दे देते हैं. The animals which reproduce by giving birth two young ones of their own kind are called mammals. जो animals अपने young ones को directly जन्म देते हैं उसको हम बोलते हैं mammals. यानी कि इंसान भी एक mammals है जो directly जन्म देता है, जो directly अपने young ones को अपने body के अंदर रख के उसको जन्म देता है, उसी animals को हम बोलेंगे mammals. ठीक है, यानी कि जो एनिमल्स अंडा देते हैं और अंडे के बाद अंडे से बच्चा निकलते हैं वो एनिमल्स मम्मल्स नहीं है. ठीक है, सो ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो मम्मल्स. ह्यूमन बींग, इंसान भी एक मम्मल्स है. ऑल मम्मल्स हैव सम कॉमन फ्यूचर्स. तो जितने भी सारे मम्मल्स है, मम्मल्स यानी क्या, जो एनिमल्स अपने बच्चों को डायरेक्टली पैदा करते हैं, है कि नहीं, उसे हम क्या बोलेंगे, mammals. So mammals reproduce by giving birth to young ones of their own kind. जितने भी सारे mammals है वो सारे अपने बच्चे को क्या करते हैं, डायरेक्टली उसको जन्म देते हैं. तो नंबर और क्या है, देखो उनका फ्यूचर्स, they have hair on their bodies. उनके बॉडीज में क्या होता है, हेयर होता है. ठीक है, जितने भी सारे मम्मल्स है उनके बॉडी में हेयर होता है. एंड दोज हेयर कीप्स देम वार्म. और यही हेयर क्या करता है, उसको बॉडी को वार्म करता है.
Next, mammals take care of their young ones. They feed their young ones with their own meat. They clean them, keep them warm and protect them from enemies. And mammals क्या करते हैं? अपने जो young ones से उसका केयर करते हैं, अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं. They feed their young ones with their own meat. उनका breast feeding करवाते हैं, milk देते हैं अपने बच्चे को. They clean them, उनको साफ सुथरा रखते हैं, उनका protect करते हैं. विभिन्न बाहर के शत्रु से अपने बच्चे को मम्मस क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं. दे आर वार्म ब्लडेड, देयर बॉडी टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट. और उनका ब्लड वार्म होता है और उनका बॉडी टेम्परेचर क्या करता है? रिमेंस कांस्टेंट रहता है. उनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. मोस्ट मम्मस लिव ऑन लैंड. सम ऑफ देम लाइक मंकीज एंड स्क्वायरल्स आर एरबोरियल. Bats that fly in the air are also mammals. So most mammals, जितने भी सारे mammals हैं, वो प्राय land में रहते हैं, जमीन में रहते हैं. Some of them like monkeys. For example, monkey and squirrel. Monkey and squirrel are arboreal. जितने भी सारे monkey और squirrel, ये भी mammals हैं, लेकिन ये arboreal हैं. Arboreal यानी क्या? ये पेड़ में रहते हैं. Bats that fly in the air are also mammals. लेकिन bats जो air में रहते हैं वो भी एक mammals है. Some other animals like whales and dolphins live in water. Even though they look like fish and have one hair on their body, they are mammals. और भी कई सारे mammals है जो कि पानी में रहता है, जैसे कि dolphin, whales, ठीक है. ये सब जो फीस है वो उनके बॉडी में हेयर नहीं होता, ठीक है. सो दे आर ऑल्सो मामल्स. अभी देखिए हम पढ़ेंगे एनिमल्स दैट ले एग्स. कौन कौन से एनिमल्स एग देते हैं और उसी एग में से बच्चा निकलता है. सम एनिमल्स लाइक बर्ड्स, फिशेस, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स यूजुअली रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. दोज आर कॉल्ड एग लेइंग एनिमल्स. कितने सारे एनिमल्स हैं? बहुत सारे रेप्टाइल्स हैं, फिशेस हैं जो कि एग देते हैं, जिसको हम बोलेंगे एग लेइंग एनिमल्स. जो एनिमल्स एग देते हैं. पर पहले हम पढ़ेंगे बर्ड्स. बर्ड्स सच एज क्रोस, स्पैरो, हेन एंड ईगल बाय ईगल लेइंग एग्स. जितने भी सारे बर्ड्स हैं जैसे कि क्रो, स्पैरो, हेन, ईगल, ये सब क्या करते हैं? एग देते हैं, ठीक है. बर्ड्स ले एग. In nest, they protect their eggs. Mother bird sit on the eggs to keep them warm under her feathers. So, जितने भी सारे birds हैं, for example मैंने बताया अभी crow, sparrow, hen, eagle, ये सब अंडा देते हैं, अपने nest में अंडा देते हैं. और mother bird क्या करता है? अपने अंडे के ऊपर बैठ के उसको warm देता है. After a few days, egg hatch and the young ones come out. कितने दिनों के बाद क्या होगा? वो अंडा फट जाएगा और उसके अंदर से एक यंग वंस निकलेगा, एक बच्चा निकलेगा. The young ones do not have feathers and their eyes are closed. जो अंडे में से जो बच्चा निकलेगा उसका आई क्लोज होता है और उनके बॉडी में कोई भी हेयर नहीं होता. The mother bird feeds them. मदर बर्ड उनको खिलाते हैं, feeds them. Both mother and father bird take care of their baby birds. और बोथ मदर बर्ड और उसका फादर बर्ड क्या करते हैं? अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं, देखभाल करते हैं. दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सन, रेन, कोल्ड एंड एनिमीज. उनके माता पिता क्या करते हैं? अपने बच्चे को ठंडा से, गर्मी से, शत्रुओं से, सबकी नजर से बचा के रखते हैं. द पेरेंट्स बर्ड लुक आफ्टर देयर यंग वंस ऑन स्टिल दे लर्न टू फ्लाई एंड आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू लुक आफ्टर द प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. वो जो बर्ड से मदर बर्ड और फादर बर्ड अपने बच्चे को कब तक देखते हैं, कब तक देखभाल करते हैं? जब तक कि बच्चा थोड़ा बड़ा ना हो जाए, जब तक कि बच्चा अपने आप संभलना ना सीख जाए और जब तक कि बड़ा बड़ा बच्चा फ्लाई ना कर सके, ठीक है. जब बच्चा फ्लाई कर सकता है, उड़ना सीखेगा,
और जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो अपने माँ बाप को, अपना माँ बाप और उसको उसका देखभाल नहीं करते। अभी देखो स्ट्रक्चर अपन एक, एक का स्ट्रक्चर कैसे है। एग्स आर यूजुअली ओवल और राउंड, ओवल होता है नहीं तो राउंड होता है एग, ठीक है। एंड दे हैव डिफरेंट शेप एंड साइजेस, उनका डिफरेंट साइज होता है, डिफरेंट डिफरेंट शेप होता है। मोस्ट एग्स आर मेड ऑफ हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर शेल, बहुत सारे एग हैं जिसका बाहर का हिस्सा थोड़ा हार्ड है, ठीक है। दिस प्रोटेक्ट द ग्रोइंग पार्ट्स इनसाइड विद इन द सेल, सो उसका जो अंडे का बाहर का हिस्सा हार्ड है उसके वजह से उसका अंदर जो भी कुछ है वो सेफ रहता है, ठीक है। विद इन द सेल्स देयर इज वाइट थिक लिक्विड पार्ट कॉल्ड एग वाइट व्हिच हैज अ येलो पार्ट इन द सेंटर, द वाइट पार्ट इज एल्बुमिन एंड द येलो पार्ट इज कॉल्ड यॉक। तो अपने बुक में देखो एक अंडा है, जो अंडे का छिलका अगर हम उठा दे हार्ड लेयर को उठाने के बाद, उसके अंदर देखो एक येलो सॉरी व्हाइट कलर का है, वो व्हाइट कलर को हम बोलते हैं एल्बुमिन, जो बाहर का हिस्सा जो हार्ड होता है उसको निकाल लेते हैं उसको बोलते हैं आउटर सेल। निकालने के बाद जो व्हाइट होता है वो है एल्बुमिन, और एल्बुमिन के अंदर जो येलो पार्ट होता है उसको हम बोलेंगे यक, y o l k यक। इट स्टोर फूड फॉर द ग्रोइंग बेबी पार्ट्स और द एम्ब्रॉय, अंडे के अंदर जो बच्चा होता है छोटा सा, जो बच्चा ग्रो करता है वो फूड कहां से पाता है, यक से, यानी येलो पार्ट जो है वो बच्चे का फूड है, ठीक है। द ग्रोइंग बेबी पार्ट यूजेस द यक एज इट्स फूड, तो जो बेबी पार्ट ग्रो करता है वो यक को अपना फूड बनाता है। द एम्ब्रॉय डेवलप्स इनटू अ बेबी, तो एम्ब्रॉय यानी क्या, बच्चा, ठीक है, जो बेबी, ठीक है। द एम्ब्रॉय डेवलप कैसे करते हैं, देखो द एम्ब्रॉय डेवलप इनटू अ बेबी ओनली इफ द एग्स इज केप्ट वार्म, एक एम्ब्रॉय एक बच्चा कैसे होता है, अंडे को अगर हम वार्म करेंगे उसको गर्म रखेंगे तो फिर क्या होगा ना, अंडे के अंदर से बच्चा धीरे धीरे ग्रो करेगा। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई डू बर्ड्स सिट ऑन देयर एग्स इन द नेस्ट, इससे मालूम पड़ता है कि एक बर्ड अपने नेस्ट में हरदम बैठा क्यों रहता है, क्यों बैठा रहता है, ताकि उसका अंडा गर्म हो सके, ठीक है, वार्म पाए। बर्ड्स हैव टू सिट ऑन देयर एग्स फॉर सम डेज बिफोर दे हैच, अंडे से एक बच्चा निकलने से पहले अपना मदर बर्ड क्या करता है ना, अंडे के ऊपर बहुत दिनों तक बैठा रहता है। अभी हम पढ़ेंगे फिशेस। ए फिश ले एग्स इन वाटर, फिश क्या करता है, वाटर पानी में अंडा देता है। द एग ऑफ ए फिश आर कॉल्ड स्पाउन, जो फिश का एग है उसको बोलते हैं हम स्पाउन। आउट ऑफ थाउजेंड ऑफ एग्स ओनली ए फ्यू हंड्रेड डेवलप इनटू स्मॉल फिशेस, मेनी एग्स एंड स्मॉल फिशेस आर रिटेन बाय बिग फिशेस। तो देखो एक मछली बहुत सारे अंडा देता है, हजार हजार अंडा देता है, लेकिन उसी हजारों में से बहुत ही कम बच्चे बड़े होते हैं, और बाकी का जो अंडा होते हैं वो बड़ा बड़ा फिश खा जाते हैं, खराब हो जाता है, ठीक है। तो एक फिश अगर एक बार में 1000 अंडा दिया तो सिर्फ बच्चा निकलेगा कितना, बच्चा कितने हो गए, ज्यादा से ज्यादा 100-200, और बाकी का जो अंडा वो खराब हो जाएगा, नहीं तो बड़ा बड़ा फिश खा जाएगा। लेट स्नेक टर्टल लिजर एंड क्रोकोडाइल, ये सब कैसे अपना बच्चे को पैदा करते हैं, देखो रेप्टाइल्स, ये तो रेप्टाइल्स है जैसे कि स्नेक टर्टल लिजर क्रोकोडाइल, ये सब भी क्या करते हैं, अपने एग देता है, अंडा देते हैं कहां पर, जमीन में। Their eggs are protected by the cells, उनका एग के ऊपर एक सेल होता है बहुत हार्ड जो कि अंडे को प्रोटेक्ट करके रखता है। The eggs are warmed by the heat of the sun, और उनका जो reptiles का जो एग होता है वो गर्म कैसे होता है, सनलाइट के द्वारा, ठीक है।
The cells of the egg are not very hard. Most of those animals do not care for their eggs or babies. Some of these are eaten by other animals. तो जितने भी सारे reptiles हैं, जैसे कि snake, turtle, lizard, crocodile, ये क्या करते हैं? अपना अंडा देके ये लोग चले जाते हैं, उसका protect नहीं करते, ठीक है? वो अपने आप अंडा sunlight पाता है, गर्म होता है, अपने आप वो hatch होके उससे बच्चा निकलता है, और कोई कोई अंडा तो दूसरे animals भी खा जाते हैं। That means reptiles क्या करता है? अपने अंडे को वो उनका देखभाल नहीं करते। Next frog, frog also lay eggs, frog भी अंडा देता है। They save their eggs in water in safe places and take care of their babies only for some time. Frogs eggs hatch into a tadpoles, tadpoles grow into frogs. तो frog भी क्या करता है? पानी के अंदर ही एक अच्छे से जगह देखकर वहाँ पर अंडा देता है। अंडा उनका अंडा थोड़ा नरम होता है, जेली चॉकलेट देखे हो, जेली जैसे नरम होता है, उनका अंडा भी थोड़ा नरम होता है। जब अंडे में से टैडपोल निकल जाता है, उसी वक्त तक अपना फ्रॉग क्या करता है, उसी वक्त तक उसका देखभाल करता है। जब फ्रॉग के अंदर से एक टैडपोल निकलता है, उसके बाद उसका पेरेंट्स उसको छोड़ देते हैं और उसका देखभाल नहीं करते। देन टैडपोल और थोड़ा बड़ा होकर क्या हो जाता है? फ्रॉग हो जाता है। अभी देखो इंसेक्ट, ऑल इंसेक्ट डेवलप फ्रॉम एग्स। जितने भी सारे इंसेक्ट है, वो सब इंसेक्ट कहां से होते हैं? एग से होते हैं। सम इंसेक्ट लाइक ग्रासहॉपर एंड कॉकरोच पास थ्रू थ्री स्टेजेस। और कितने सारे इंसेक्ट है, जैसे कि ग्रासहॉपर, कॉकरोच, इनके बहुत सारे लाइफ साइकिल है, बहुत सारे लाइफ स्टेजेस है, ठीक है? दे हैव थ्री स्टेजेस, दे हैव थ्री स्टेजेस। कौन कौन सा इंसेक्ट? ग्रासहॉपर एंड कॉकरोच। तो उनका लाइफ साइकिल का थ्री स्टेजेस है क्या? देखो, इन द केसेस द बेबी व्हिच कम्स आउट ऑफ एन एग डिफर्स वेरी लिटिल फ्रॉम द इंसेक्ट। एग में से जो बच्चा निकलता है इंसेक्ट का, वो इंसेक्ट से थोड़ा अलग होता है, ठीक है? एक इंसेक्ट से जब एक एग निकलता है, एक से इंसेक्ट निकलता है छोटा सा बेबी, वो थोड़ा इंसेक्ट से अलग होता है, जिसको हम बोलते हैं लिम, ठीक है? एक में से जो इंसेक्ट निकलता है उसको हम बोलेंगे लिम, limph, लिम। द लिम शेड्स इट्स स्किन, और लिम क्या करेगा? अपना स्किन धीरे धीरे आएगा, उसके ऊपर स्किन आएगा। This process by which baby insect shed their skin before they grow into adults is called molting. तो एक छोटा सा इंसेक्ट एक से निकलने के बाद वो अपना स्किन लाएगा, उसके शरीर में स्किन आएगा, इसी प्रोसेस को बोलते हैं मोल्टिंग। यानी कि एक इंसेक्ट बड़ा होने से पहले अपने आप उसके बॉडी में क्या आता है? स्किन आता है, जिसको हम बोलते हैं मोल्टिंग। After molting several times a nymph becomes an adult. Molting होने के बाद, molting यानी क्या? उसके शरीर में skin आना। जब skin आ जाता है, उसके बाद वो धीरे-धीरे बड़ा insect हो जाता है। Other insect like housefly and butterfly pass through four stages in their life cycle. और भी सारे insect हैं, जैसे कि housefly, butterfly, उनका life cycle में four stages है। कितने? Four stages. In their case, the young ones which hatch out of the egg are quite different from the adult insect. Those look more like worm than insect. This form is called larva. So, उनका जो egg होता है, उनका जो अंडा होता है, अंडे में से जो छोटा insect निकलता है, वो भी थोड़ा different होता है, worm जैसे होता है, उसको हम बोलेंगे larva. ठीक है, अंडे में से हाउसफ्लाई और बटरफ्लाई, उनका जो अंडे में से जो निकलता है उसको बोलेंगे हम लार्वा। द लार्वा ऑफ ए हाउसफ्लाई इज कॉल्ड मैगोट, और जो लार्वा है हाउसफ्लाई का उसको हम बोलेंगे मैगोट, एंड दैट ऑफ ए बटरफ्लाई इज कॉल्ड बटरफ्लाई कटरपिलर, एंड बटरफ्लाई का लार्वा को क्या बोलेंगे हम? कटरपिलर। हाउसफ्लाई का लार्वा को हम बोलेंगे मैगोट,
और बटरफ्लाई का बटरफ्लाई का लार्वा को हम बोलेंगे कैटरपिलर। द लार्वा फीड्स एंड ग्रो रैपिडली। लार्वा क्या करता है ना, उसको ग्रो करवाता है, उसको फूड देता है। आफ्टर सम टाइम इट कवर्स इटसेल्फ इन ए कोकून। दिस स्टेज इज कॉल्ड प्यूपा। कितने दिनों के बाद उसके ऊपर जाली जैसा हो जाता है, इंसेक्ट के ऊपर जाली जैसा हो जाता है, जिसको हम बोलेंगे प्यूपा। ठीक है। फाइनली द प्यूपा ब्रश एंड द एडल्ट इंसेक्ट कम्स आउट। और फाइनली वो जो जाली जैसा बन जाता है प्यूपा, वो फट जाता है और उसके अंदर से एक क्या इंसेक्ट निकलता है। द बेबीज ऑफ इंसेक्ट आर नॉट लुक्ड आफ्टर द बाय पेरेंट्स। वो भी इंसेक्ट का जो अंडा होता है वो भी अपने बच्चे को, अपने अंडे को प्रोटेक्ट नहीं करते, उसका देखभाल नहीं करते। ठीक है। तो ये चैप्टर खत्म हो गया। अगर कुछ डाउट है तो हम जूम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।